आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। आगामी 2022 के चुनाव से पहले सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। इसी कड़ी में यूपी सरकार की मंत्री स्वाति सिंह मातृ शक्ति सम्मेलन में मौजूद होने वाली है। लखनऊ के सरोजनी नगर विधानसभा में महिलाओं के सम्मान के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन में करीब 1500 महिलाओं का सम्मान आज स्वाति सिंह करने वाली है। तो लखनऊ में आज कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि मंत्री स्वाति सिंह की तरफ से मातृ शक्ति सम्मेलन की आज से शुरुआत हो रही है, जहां पर स्वाति सिंह कार्यक्रम में शरीक होने पहुंचने वाली हैं। तैयारियों की इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से तैयारियां की जा रही हैं। आपको बता दें कि इस पूरे कार्यक्रम में आज 15,000 महिलाओं को सम्मानित करने वाली हैं मंत्री स्वाति सिंह। मातृ शक्ति सम्मेलन आज होने वाला है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से तैयारियां जो हैं इस सम्मेलन को लेकर भाजपा की तरफ से पूरी कर ली गई हैं। अब बस मंत्री स्वाति सिंह का इंतजार किया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से महिलाओं का हुजूम भी इस सम्मेलन में देखने को मिल रहा है। इसमें 15,000 महिलाओं को सम्मानित किया जाना है। कि कार्यक्रम में पहुंचे हमारे संवाददाता गौरव हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। तो गौरव, जिस तरह से आज मंत्री स्वाति सिंह का मातृ शक्ति सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित होने वाला है, क्या कहना चाहेंगे? जी गौरव, जिस तरह से इस वक्त आप वहाँ सम्मेलन में मौजूद है, कुछ ही देर में स्वाति सिंह भी कार्यक्रम में पहुंचने वाली है, क्या कुछ तैयारियां है वहाँ पर? महिलाओं में किस प्रकार का जोश देखने को मिल रहा है? जिस प्रकार से महिलाओं के लिए सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, क्या कुछ स्थिति है वहाँ की? जी बिल्कुल, आधी आबादी है महिलाओं की। और मैं आपको बताऊँ की महिलाओं की जो हमेशा से भूमिका रही है, चाहे वोट बैंक को लेकर हो, चाहे विकास को लेकर हो, चाहे स्वावलंबी को ऊपर हो, जिस तरह से लगातार सरकार प्रयास कर रही है कि महिलाओं को स्वावलंबी बनाया जाए, उनकी तमाम योजनाएं भी चल रही है, उनके लिए तमाम प्रयास भी कर रही है, तमाम काम चल रहे हैं, उसको देखते हुए इस प्रकार से मातृ शक्ति सम्मेलन वहाँ पर किया जा रहा है। और बड़ा सम्मेलन है, यहाँ पर बड़ी संख्या में महिलाएं आई है। अगर मैं संख्या की बात करूँ तो संख्या के लगभग यहाँ पर 3,000 के लगभग महिलाएं पहुंच चुके हैं। और अभी स्वाति सिंह की मंत्री है, प्रदेश सरकार की, वो भी पहुंचने वाली है। और बड़ा कार्यक्रम बहुत ही उत्साह देखने मिल रहा है महिलाओं में। महिलाओं कहना है जिस तरह से प्रदेश सरकार महिलाओं के लिए काम कर रही है, बहुत अच्छा प्रयास है। हम लोग स्वावलंबी बनना चाहते हैं। और जिस तरह से हर ग्राम पंचायत में रही है, उसको देखते हुए जो गाँव कमजे के लोग हैं, गाँव के लोग हैं, वो सारी महिला यहाँ पर आई है, उनको कह रहा है सरकार द्वारा तमाम ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं जिससे हमको स्वावलंबी का मौका मिल रहा है। जी गौरव, जिस तरह से ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, बड़े स्तर पर आप देख सकते हैं, तस्वीरें भी हम देख रहे हैं जहां पर देख सकते हैं कि महिलाओं का हुजूम वहां पर देखने को मिल रहा है। ऐसे में वहां मौजूद महिलाओं से आपने बात की होगी, क्या कुछ उनका कहना है, किस प्रकार से आज उनकी प्रतिक्रिया है इस पूरे कार्यक्रम को लेकर, भाजपा के प्रति उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया इस वक्त देखने को मिल रही है? महिलाएं यहाँ पर जो आई है, उनसे मेरी बात हुई है कि इस तरह के कार्यक्रम होने से हम लोगों में एक उत्साह का जागरण होता है। हम लोग चाहते हैं
कि हमको पुरुषों से कम न समझाए, हम भी पुरुषों के साथ बाल सितारे मिला के देश के विकास योजना देखते हैं। और जिस तरह से महिलाओं को अंतर आता जाता था चल रही है जी राजमंत्री है स्वामी सिंह, वो लगातार महिलाओं की सुरक्षा के लेके महिलाओं के काम के लिए महिलाओं की सुविधा का काम कर रही है। विधानसभा क्षेत्र जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ की महिला विधान के कौन से उनका नाम हमेशा से उसकी जनप्रतिनिधि है और उनका विभाग भी ऐसा मिला हुआ है और महिला होने के लिए लगातार महिलाओं के लिए काम कर रही है और हम उनके काम का सुनते जी। गौरव, इस पूरे कार्यक्रम में आपने जिस प्रकार से बताया कि 15,000 महिलाओं को सम्मानित करने जा रही है भाजपा, स्वाति सिंह खुद उन महिलाओं को सम्मानित करेंगी, ऐसे में कौन कौन महिलाएं इस पूरे कार्यक्रम में शामिल हैं? 15,000 महिलाएं वो कौन सी होने वाली हैं जिनका सम्मान इस पूरे कार्यक्रम में होगा? जो महिलाएं यहाँ पर आई है कार्यक्रम में वो वही महिलाएं हैं जिनको अलग अलग रोजगार के माध्यम से स्वावलंबी बनाने का प्रयास किया गया है। ये वही महिलाएं हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग काम कर रही है और साथ ही साथ जिन्होंने अपनी एक यूनिट बनाई है, समूह बनाया है और समूह के माध्यम से स्वावलंबी बन चुकी है, रोजगार कर रही है। ये सारी महिलाएं उसी तबके की है, उसी व्यवस्थाओं के तहत काम कर रही है और जिस तरह से उनके काम है उनके साथ उनकी जो समूह है वो भी आए हुए हैं। इसके अलावा महिलाओं को एक प्रेरणा के लिए तमाम बड़ी संख्या में यहाँ महिलाएं आई हुई है और महिलाओं का एक कहना है कि जो सरकार हमारे लिए बेहतर काम कर रही है उसके तहत हम लोग यहाँ पर आए हैं। लगभग 15,000 महिलाओं को यहाँ कार्यक्रम रहेगा और क्योंकि महिलाओं के आधारित है इसी कार्यक्रम का नाम मात्र सम्मेलन रखा गया है जी। गौरव, इस पूरे कार्यक्रम में स्वाति सिंह के अलावा और कौन कौन शामिल होने वाला है? जिस तरह से भाजपा का एक बड़ा कार्यक्रम है, क्या लगता है कोई और मंत्री भी इसमें जुड़ सकते हैं? देखिए मैं बता दूं, तमाम योजनाएं अलग 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 ट्रस्ट के माध्यम से चल रही है। उसमें टाटा ट्रस्ट की बात करें, टाटा ट्रस्ट के माध्यम से योजना चल रही है। इसके अलावा जो नाबार्ड है, नाबार्ड के माध्यम से तमाम योजनाएं चल रही है, उसके महाप्रबंधक इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा प्रदेश सरकार की महिला विकास एवं कल्याण राज्य मंत्री जो आपके साथ सुनने वाली कार्यक्रम में मौजूद रहेगी। इसके अलावा जो महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष वो भी कार्यक्रम में मौजूद रहेगी। तो बोल कहकर जो भी महिला संबंधित लोग हैं जो बड़े सरकार के तबके में बैठे हुए हैं या संगठन में महिला पदाधिकारी है वो भी कार्यक्रम में रहेंगे। इसके अलावा के माध्यम से अलग अलग योजना चलाई रही है, चाहे वो नाबार्ड हो, चाहे टाटा ट्रस्ट हो या बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रतिनिधि भी यहाँ पर आए हुए हैं। इस बैंक ऑफ बड़ौदा भी लगातार महिलाओं को उद्यम कार्यक्रम में परिवार में अपना सहयोग का प्रदान कर रही है। तो उनके कार्यक्रम में रहेंगे, उसके निर्देशक भी कार्यक्रम में रहेंगे। आपकी गरिमा और उपस्थिति को प्रणाम करते हुए जी गौरव, जिस तरह से ये पूरा कार्यक्रम हो रहा है, लगातार महिलाओं के लिए हम देख रहे हैं कि सभी राजनीतिक दल अब महिलाओं को साधने में लग चुके हैं। जब से महिलाओं के आधी आबादी वाली रिकॉर्ड दर्ज किया गया है, अब महिलाओं को कहीं ना कहीं महिलाओं को साधने की कोशिश हो रही है। पहले कांग्रेस, फिर आम आदमी पार्टी और अब बीजेपी। क्या लगता है किस प्रकार से इस कार्यक्रम को आप देख रहे हैं? बिल्कुल, आप सही कहा कि आधी आबादी क्या महिलाओं की पूरी आधी संख्या है। हालांकि राजनीति आगे बढ़ने का जिस तरह कांग्रेस की प्रियंका गांधी राष्ट्रीय महासचिव ने कहा रखा है कि 40% महिलाओं को सीट देगी, उसको देखते हुए लगातार सरकार द्वारा प्रयास किया जा रहा है और अपनी हर ऐसी नीतियां ऐसे काम करें। क्योंकि अब देखिए, आप पहले तो वही सम्मेलन हुए, उसके रैलियां हो रही है, यात्राएं हो रही है, व्यापारी सम्मेलन किए गए, अब जो लोगों की जो नजर है वो महिला सम्मेलनों पर आप रखी रही है। उसके लिए सम्मेलन यहाँ पर आयोजित सरकार ने बड़ा प्रस्ताव पास किया है कैबिनेट में, जहाँ पर महिलाओं की शादी को 18 साल कर दी गई है। प्रस्ताव है जी। गौरव, जिस तरह से ये पूरा कार्यक्रम सरोजनी नगर में आयोजित हो रहा है, वही सरोजनी नगर विधानसभा से जो स्वाति सिंह है वो अहम भूमिका भी निभाती है, ऐसे में क्या उनका रुझान देखने को मिल रहा है आगामी चुनाव में? क्या लगता है स्वाति सिंह का पलड़ा एक बार फिर से भारी पड़ता दिखाई देगा? लेकिन आपको बताऊँ, जो उत्तर विधानसभा है, जो आपकी सरोजनी नगर है, उसकी जो आपकी विधायक है वो स्वाति सिंह है, जो मुख्य सरकार में
प्रधानमंत्री भी है तो उसको देखते हो। और यहाँ की पहले हमने पहले भी सर्वे किया था तो यहाँ की जनता का रुझान आया था, वो कहना है कि स्वाति सिंह ने एक महिला मंत्री के रूप में और यहाँ के विधायक ने बहुत बेहतर काम किया है। जो भी सरकार के लिए वो सरकार सारी योजनाएं हर एक आदमी के लाभार्थ तक पहुंची है, चाहे शहर को अन्य योजना हो चाहे कन्या विवाह योजना हो, सब ऐसी सरकार की जी। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लखनऊ से इस वक्त हम आपको बड़ी खबर बता रहे थे, जहां लखनऊ के सरोजनी नगर विधानसभा में महिलाओं के सम्मान में बीजेपी की तरफ से एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आपको बता दें कि मातृ शक्ति सम्मेलन का आज जो है वो कार्यक्रम पूरा आयोजित हो रहा है, जिसमें करीब 15,000 महिलाओं को मंत्री स्वाति सिंह जो है वो अब सम्मानित करने वाली है। तो बीजेपी की तरफ से एक बड़ा कदम देखने को मिल रहा है। तैयारियों का इस वक्त हम आपको जायजा दिखा रहे थे, जहां पर महिलाएं एक बड़ी संख्या में मौजूद थी, वहीं पर महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। वहीं इस पूरे कार्यक्रम को लेकर महिलाओं की क्या कुछ प्रतिक्रिया रहेगी उससे भी हमने आपको रूबरू करवाया हमारे संवाददाता गौरव। और सीधे आपको लिए चलते हैं लखनऊ के सरोजनी नगर विधानसभा, जहां पर बीजेपी के द्वारा मातृशक्ति सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, जहां मंत्री स्वाति सिंह इस वक्त कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुकी है। ये आप सबकी उपस्थिति है, आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम। बोला महिला ग्राम प्रधान, आपकी गरिमामय उपस्थिति है, निवेदन के साथ मैं आपको आमंत्रित करता हूं बड़े आदर के साथ। यहां जितने महिला ग्राम प्रधान उपस्थित हैं आप लोग मंच पर आ रहे हैं। चंद्रावन से श्रीमती शिव कुमारी जी, फटगांव से श्रीमती तारा, प्यारेपुर से श्रीमती निर्मला, सदुल्ला नगर से श्रीमती शांति, मौंडा से श्रीमती संगीता यादव, बेटी से श्रीमती रमा देवी, नूरनगर भदरसा से श्रीमती विद्यावती जी, बेहटा से श्रीमती अमिता पाल, नागमऊ से श्रीमती सुषमा सिंह, लतीफ नगर से श्रीमती मालती शुक्ला, मेमौरा से श्रीमती सुमन आनंद, मोई पड़ियाना से श्रीमती सीमा रानी, गढ़ी चुनौती से श्रीमती पद्मा, हरौनी से श्रीमती सीमा देवी, सभी आप सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र की सम्मानित महिला ग्राम प्रधान, आप सबसे निवेदन है कि कृपया आप मंच पर उपस्थित हों। एक बार फिर मैं सरोजनी नगर विधानसभा की समस्त महिला ग्राम प्रधान आपकी सूची पढ़ देता हूं कि चंद्रावन से श्रीमती शिव कुमारी जी, भटगांव से श्रीमती तारा देवी जी, प्यारेपुर से श्रीमती निर्मला देवी जी, सादुल्ला नगर से श्रीमती शांति देवी जी, मौंडा से श्रीमती संगीता यादव जी, बेटी से श्रीमती रमा देवी, नूरनगर भदरसा से श्रीमती विद्यावती जी, बेहटा से श्रीमती अमिता पाल जी, नानमऊ से श्रीमती सुषमा सिंह जी, लतीफ नगर से श्रीमती मालती शुक्ला जी, मेमौरा से श्रीमती सुमन आनंद जी, मोई पड़ियाना से श्रीमती शिवा रानी जी, गढ़ी चुनौती से श्रीमती पद्मा जी और हरौनी से श्रीमती सीमा देवी, ये सभी महिला ग्राम प्रधान है। आप लोगों तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो आप कृपया मंच पर उपस्थित हो जाएं। आइए माननीय मंत्री जी हम सबके बीच में उपस्थित हो चुकी है। सीधे आपको लिए चलते हैं लखनऊ के सरोजनी नगर विधानसभा, जहां पर बीजेपी के द्वारा मातृ शक्ति महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर मंत्री स्वाति सिंह इस वक्त मंच पर पहुंच चुकी हैं। नाश्ता और पानी वितरित होगा, ये समझिए कि ये नाश्ता पानी की व्यवस्था ये केवल हमारी भावना है, ये हमारी पूजा की भावना है, ये हमारी श्रद्धा की भावना है जो आप लोगों तक पहुंच रही है। हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, जितना भी सेवा कर ले अगर किसी भी सम्मेलन का आयोजन इस वक्त बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है। आपको बता दें कि लखनऊ के सरोजनी नगर विधानसभा में इस वक्त ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जहां पर करीब 15,000 महिलाओं को आज सम्मानित किया जाएगा। मंच पर इस वक्त भाजपा नेता स्वाति सिंह मौजूद है,
सरोजनी नगर विधानसभा से विधायक भी हैं स्वाति सिंह, जो इस वक्त कार्यक्रम में मौजूद है। आपको तस्वीरें इस वक्त हम पूरे कार्यक्रम की दिखा रहे हैं। मंच पर इस वक्त स्वाति सिंह मौजूद है, उनके साथ तमाम अधिकारी भी मौजूद हैं। आपको बता दें कि लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में कार्य चल रहा है, महिला सशक्तिकरण की ओर ये पूरा ध्यान दिया जा रहा है। इसी कड़ी में इस पूरा कार्यक्रम जो है ये सरोजनी नगर विधानसभा में आयोजित किया जा रहा है। खुद स्वाति सिंह, जो सरोजनी नगर विधानसभा से विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी की मंत्री हैं, उन्होंने इसका पूरा बीड़ा उठाया है। महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में एक बेहतर प्रयास भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस वक्त देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि स्वाति सिंह सरोजनी नगर विधानसभा से विधायक हैं, मौजूदा विधायक हैं, जहां पर वो लगातार क्षेत्र की जनता के विकास के लिए कार्य करती आ रही हैं। पिछले 5 सालों से लगातार वहां मौजूद जो जनता है उनके लिए कार्य करती दिखाई दे रही हैं। इसी कड़ी में महिलाओं को भी सशक्त बनाने और महिलाओं को भी स्वावलंबी बनाने की दिशा में वो कार्य करती आ रही हैं, और इसी कड़ी में आज मातृ शक्ति सम्मेलन का आयोजन भी उनके द्वारा किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस पूरे कार्यक्रम में महिलाओं का हुजूम भी देखने को मिल रहा है। तस्वीरें इस वक्त आपको सम्मेलन से सीधे हम दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से बड़ी संख्या में महिलाएं जो हैं इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंची हुई हैं। सिर्फ लखनऊ ही नहीं, लखनऊ के आसपास के क्षेत्रों की जो महिलाएं हैं वो भी इस कार्यक्रम में पहुंची हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यों की सराहना करती हुई इस वक्त वहां की महिलाएं जो है वो दिखाई दे रही हैं। हमारे संवाददाता भी इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे, जहां पर महिलाओं से बातचीत की गई और भारतीय जनता पार्टी और खास करके सरोजनी नगर विधानसभा से विधायक स्वाति सिंह के कार्यों को लेकर भी महिलाओं से बात की गई। तो वहां की महिलाओं ने स्वाति सिंह के जो कार्य हैं उनकी सराहना की है। लगातार यही प्रतिक्रिया सामने आई है कि जो स्वाति सिंह है उन्होंने सरोजनी नगर विधानसभा में बेहद ही विकास किया है, विकास की दिशा में सरोजनी नगर वो आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। इसी कड़ी में आज महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जहां एक तरफ महिलाओं की आबादी भी अब कह सकते हैं कि आधी आबादी हो चुकी है, महिलाएं जो है वो बढ़ रही हैं। इसी कड़ी में अब महिलाओं को सशक्त बनाने और स्वावलंबी बनाने की दिशा में भी कार्य जो है वो जारी है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको सीधे सरोजनी नगर विधानसभा में आयोजित इस कार्यक्रम से दिखा रहे हैं, जहां पर सम्मेलन में इस वक्त बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद हैं। आपको बता दें कि ये जो पूरा कार्यक्रम है, इस पूरे कार्यक्रम में सरोजनी नगर विधानसभा से विधायक स्वाति सिंह जो हैं वो मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची हुई हैं, उनके साथ तमाम अधिकारी जो हैं वो भी वहां पर मौजूद हैं, और यहां पर 15,000 महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा। ऐसी महिलाएं जिन्होंने जो स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हुई हैं और स्वावलंबी है महिलाएं, उनको बढ़ावा देने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए उनको सम्मानित किया जाएगा। 15,000 महिलाएं इस पूरे कार्यक्रम में सम्मानित की जानी है। एक बड़े स्तर पर इस कार्यक्रम का आयोजन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। लगातार भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में काम कर रही है, चाहे प्रधानमंत्री मोदी की स्कीम रही हो महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए, चाहे हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ हमारे जो उन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए जो उन्होंने कार्यक्रम चलाए हैं, इन सभी दिशा में मिशन शक्ति जो चलाया गया, इन सभी जो भी प्रयास किए गए उनका जो फल है अब वो उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश की महिलाएं अब सशक्त होते दिखाई दे रही हैं। स्वयं सहायता समूह की चाहे महिलाएं हों, सभी महिलाएं कहीं ना कहीं अब अपने अपने क्षेत्रों में अच्छे कार्य करती दिखाई दे रही हैं, और इसी के परिणाम स्वरूप आज महिलाओं को सम्मानित करने के लिए ये मातृ शक्ति सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है बड़ी संख्या में। आपको बता दें कि मंत्री स्वाति सिंह के द्वारा सरोजनी नगर विधानसभा में ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है।
तो ये पूरा कार्यक्रम आज आयोजित किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर बड़ी संख्या में महिलाएं इस वक्त मौजूद हैं। सरोजनी नगर विधानसभा से विधायक और भारतीय जनता पार्टी में मंत्री स्वाति सिंह खुद इस कार्यक्रम में मुख्य भूमिका निभा रही है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में एक बेहतर प्रयास करती दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि मातृशक्ति सम्मेलन का आयोजन इस वक्त हो रहा है, जहां पर मंच पर स्वाति सिंह खुद मौजूद है। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में जितनी योजनाओं को प्रस्तुत किया है, उन सब के बारे में माननीय मंत्री जी आप सबके सामने बोलेंगी। स्वयं माननीय मंत्री जी के साथ प्रतिनिधि बैंक ऑफ बड़ौदा, प्रतिनिधि टाटा समूह और मुख्य महाप्रबंधक राष्ट्रीय ग्रामीण एवं विकास बैंक श्री दुष्यंत सिंह चौहान जी, सम्मानित जन, आप लोगों से निवेदन है कि आप दीप प्रज्वलित करके आज के इस मातृशक्ति सम्मेलन का शुभारंभ करें। देखिए, एक दीपक हमें कितना कुछ सिखाता है, एक दीपक कितना भी गहन अंधकार क्यों ना हो, एक दीपक जला दीजिए उस अंधकार को परास्त करके रोशनी की किरणें फैला देता है, केवल एक दीपक। ताकि नमन साक्षी है ये धरती, आसमान साक्षी है, साक्षी है दसों दिशाएं, साक्षी है प्रकृति का कणकण, साक्षी है आप, साक्षी है आप और आपकी अंतर चेतना। अब भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण, पंडित दीनदयाल जी के चित्र पर माल्यार्पण, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के चित्र पर माल्यार्पण माननीय मंत्री जी करने जा और जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें, जोरदार तालियां। करूंगा कि आप लोग अपनी जगह पे बैठे रहे, नाश्ता आप लोगों तक पहुंचेगा। आप लोग मातृशक्ति सम्मेलन में आप सभी गरिमामयी माताएं बहने, आप सभी पूजनीय माताएं बहने, आप सभी पूजा के योग्य, श्रद्धा के योग्य माताएं बहने, आपकी गरिमामयी उपस्थिति के बीच इस मातृशक्ति सम्मेलन का दीप प्रज्वलन के साथ शुभारंभ हुआ है। साक्षी है ये धरती, आसमान साक्षी है। माननीय मंत्री जी एक तरफ से पुष्पगुच्छ से करेंगे। मेरी इच्छा है कि यहाँ जितनी खिलाड़ी बेटियां बैठी हुई हैं, वो सभी मंच पर आ जाएं, क्योंकि मंच पर भी जो मातृशक्ति है, मैं चाहती हूँ कि उनका भव्य स्वागत आपके कर कमलों द्वारा हो जाए। नेहा, नीतू, नैना, पूजा, अन्नु, ये तमाम बेटियां, ये सभी स्वयं सहायता समूह की मातृशक्ति को और सम्मानित ग्राम प्रधान को इन बेटियों के तरफ से माला पहना करके स्वागत किया जा रहा है। सभी लोग जिनका सम्मान हो रहा है, जिन बेटियों ने सम्मान किया, सभी लोग खड़े हो जाएंगे, एक साथ सभी लोग खड़े रहेंगे और ये तस्वीर ये मीडिया में, और ये वो खिलाड़ी जो आपके घर की, हमारे घर की बहने हैं, आपकी बेटियां हैं, जिन्होंने इस क्षेत्र का नाम रोशन किया है देश स्तर पर, विश्व स्तर पर, ऐसी बेटियां आगे बढ़ाकर सबका स्वागत करेंगे। सम्मान समारोह का आयोजन करके अपार, क्योंकि ये नारी शक्ति दो दो घर की जिम्मेदारी को संभालते हुए, दो दो परिवार के जिम्मेदारी को संभालते हुए, पिता का घर और पति का घर, दोनों घर की जिम्मेदारी को संभालते हुए तमाम योजनाएं महिलाओं के लिए इस वक्त संचालित की जा रही है। इसी कड़ी में जो महिलाएं इन सभी योजनाओं से लाभान्वित हो चुकी हैं और इस दिशा में बेहतर कार्य कर रही हैं, आज उनको सम्मानित करने का दिन है। सभी उन महिलाओं के लिए गौरवान्वित दिन है जो आज मिसाल पेश कर रही हैं, बाकी उन सभी महिलाओं के लिए जो आज भी अपने अधिकारों के लिए लड़ रही हैं, उन महिलाओं का आज सम्मान होगा जो आज स्वावलंबी हो चुकी हैं
स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ रही हैं, खुद आमदनी कर रही हैं, अपने परिवार को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही हैं। ऐसी सशक्त महिलाएं, बहादुर महिलाओं को आज सम्मानित किया जाएगा। बड़े स्तर पर ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मंत्री स्वाति सिंह इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। उनके द्वारा ये पूरा कार्यक्रम जो है आयोजित किया जा रहा है। मातृ शक्ति सम्मेलन न सिर्फ महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक बेहतर कार्य है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम प्रयासों, उन तमाम कोशिशों और मंत्री स्वाति सिंह के उन तमाम परिश्रम का फल है, जिसका आज उसका फल का आज जो है सम्मानित करने का दिन है, उसे उसका जश्न मनाने का दिन है। मंत्री स्वाति सिंह इस वक्त आप देख पा रहे हैं मंच पर मौजूद हैं, और अब मंत्री स्वाति सिंह जो है कार्यक्रम में मौजूद लोगों को सम्मानित करने जा रही है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें, जोरदार तालियों। सम्मानित किया जा रहा है। हमारे बीच बैंक ऑफ बड़ौदा से प्रतिनिधि श्रीमान विनोद भसीन जी उपस्थित हैं। हम चाहेंगे कि विनोद भसीन जी का माननीय मंत्री जी पुष्प गुच्छ देकर के स्वागत करें। मैं अपनी माताओं बहनों से निवेदन करूंगा कि आप लोग अपनी जगह पे बैठे रहें, नाश्ता आप लोगों तक पहुंचेगा। मैं निवेदन करूंगा जो भी माताएं बहनें इधर उधर टहल रही हैं, आप लोग अपनी जगह पे बैठ जाएं। ये पानी और भोजन सब तक आराम से वितरित हो रहा है, आप लोग कृपया संयम और धैर्य के साथ अपने जगह पे बैठे रहें। सारे लोगों तक हमारे कार्यकर्ता पानी और नाश्ता पहुंचा रहे हैं, जिनको आप बहन के रूप में मानती हैं, और जो अपने सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र की सभी माताओं बहनों को अपने हृदय तल की गहराइयों में स्थान देती हैं और सबको हृदय से मानती हैं, सबके लिए हमेशा फिक्रमंद और चिंतित रहती हैं, ऐसी परम आदरणीय आपकी विधायक, आपकी मंत्री और सबसे बढ़ के आपकी बेटी और आपकी बहन स्वाति सिंह जी आप सबके बीच में सीधे सीधे जुड़ने जा रही है। और डाइस से मैं निवेदन करूंगा कि अपनी बेटी का सम्मान, अपनी बेटी का आशीर्वाद कैसे लेंगे आप लोग? सबके दोनों हाथ उठेंगे, सारी मातृशक्ति अपने बेटी को आशीर्वाद देने के लिए दोनों हाथ उठाएंगे और इन हाथों को हवा में लहराते हुए आपस में लड़ाई है, सोमवार तारी हो जाएगी। आपकी बेटी प्रस्तुत है, साथी आपके द्वार, साथी आपके चरणों में, साथी आपके बीच। आज के मातृशक्ति सम्मेलन के मुख्य अतिथि और आज के मातृशक्ति सम्मेलन के मुख्य अतिथि यहाँ पर उपस्थित हम सब के सामने बैठी हुई एक एक मातृशक्ति है, आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। नाबार्ड से आए हुए हमारे महाप्रबंधक आदरणीय दुष्यंत सिंह चौहान जी, जिनका हमेशा ही मेरे साथ सहयोग रहा, साथी साथ यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा से आदरणीय विनोद भसीन जी, इनका भी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं में और मेरे क्षेत्र की बेटियों ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपका भी बहुत सहयोग रहा बैंक ऑफ बड़ौदा। हमारे महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष अर्जुन चौधरी जी, यहाँ पर भोपाल कॉलेज चेयरपर्सन मनुका भोपाल जी, यहाँ पर के अवर पॉलिटिक के निदेशक जतिंदर वालिया जी, यहाँ पर सीता देवी इस मंच पर उपस्थित, जहां सामने मातृशक्ति का प्रतीक का अवसर हो, वहां जन प्रतिनिधि के रूप में बैठी हुई इस मंच पर एक ग्राम प्रधान जो मातृशक्ति का प्रतीक होंगे और साथ ही साथ स्वयं सहायता समूह की क्लस्टर हेड वो भी मातृशक्ति का प्रतीक इस मंच को सुशोभित कर रही है, सुसज्जित कर रही है।
और जिन्होंने इस कार्यक्रम में सवाल आ गया ऐसी मोहिनी जी, पार्वती, दीपक जी और आपकी पूरी टीम, जिन्होंने बाल बच्चे का क्या प्यार होता है उनके बीच में क्या संवाद होता है उसको बताने का अपना काम किया, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज यहाँ पर मेरी बहने, मेरी माताएं, मेरी बेटियां उपस्थित हुई हैं। ये कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं है जहां पर हम किसी ऐसे बातों को की चर्चा करेंगे। आज इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह था कि मैं अपने परिवार की बहनों से, मैं अपनी माताओं से, मैं अपनी बेटियों से मिलना चाहता हूं। मैं उन्हें बताना चाहती हूं कि आपके घर की बेटी हूं, आपके घर की बहन हूं, और यहां जो बच्चे उपस्थित हैं उनकी मां के रूप में मैं यहां पर खड़ी हूं, और एक सीधा संवाद मैं आपसे करना चाहती हूं। सीधा संवाद इसलिए कि एक नारी हूं, नारी ही नारी के मन की पीड़ा समझ सकती ही है, नारी ही नारी के मन का भाव समझ सकती है, और इसलिए ये कार्यक्रम मां की शक्ति को समर्पित है। और जैसे कि नाबार्ड के महाप्रबंधक भी बता रहे थे, बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि मेरा सपना है सरोवरी नगर की एक भी मातृशक्ति, सरोवरी नगर में रहने वाली मेरी एक भी माँ, मेरी एक भी बहन, मेरी एक भी बेटी ऐसी ना रहे कि वो ये कहे कि हमें किसी काम के योग्य नहीं, मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ। ये मेरा सपना है कि हाँ एक एक मातृशक्ति जैसा बना दिया जाए, रोज पर कम से कम 100 से 200 रुपए तुम जरूर कमाए। जब हम सशक्तिकरण की बात करते हैं, जब हम किसी को सशक्त बनाने की बात करते हैं, कोई भी व्यक्ति, कोई महिला हो या पुरुष, वो सशक्त कब होता है? जब वो आर्थिक दृष्टि से मजबूत। और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारी योजनाएं लेकर आए, और वो योजनाएं जो भी योजनाएं आई वो अपने देश के, प्रदेश के माताओं को, बहनों को, बेटी को सशक्त बनाने की योजना। मैं याद दिलाऊंगी जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में इस देश की बालिकाओं को संभाला था, उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान की शुरुआत की। 2014 में पहले किसी भी कार्यक्रम में इतनी संख्या में मेरी बहनें और माताएं नहीं आ सकती थी, क्योंकि वो सुरक्षित नहीं थी, अपने घर के बाहर नहीं निकल पाती थी, उन्हें डर लगता था घर से निकलने के लिए। आज आप सुरक्षित हैं क्योंकि देश में मोदी जी हैं और प्रदेश में योगी जी हैं। आज आप सुरक्षित हैं क्योंकि इस देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान की शुरुआत हो गई। आज आप सशक्त हैं क्योंकि उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस चूल्हा देने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। आज आप आत्मनिर्भर हैं क्योंकि जब प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से जब घर की चाबियों का वितरण होता है तो माननीय प्रधानमंत्री जी घर की महिलाओं की आमंत्रण उनके नाम से घर बनवा देने और उन्हें उस घर की चाबी दी जाती है। और वो समय भी था जब उत्तर प्रदेश में बेटियों का जन्म होता था तो लोग दुखी हो जाते थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से वो घर में घर परिवार का दूर कर दिया उन्होंने। यहाँ बहुत सारे परिवार ऐसे बैठे होंगे जिनकी बेटियों की शादी, उनकी बेटियों का विवाह सामूहिक विवाह योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से हुआ। जितनी भी योजनाएं चल रही है
चाहे प्रदेश की हो चाहे देश की हो, वो आपको सशक्त बनाने के लिए योजनाएं चल रही है। लेकिन इसके अलावा आज यहाँ आने का उद्देश्य ही कि आपको योजनाओं के बारे में बताया जाए, लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहती थी कि आपकी बेटी, आपकी बहन, आपके साथ है, और जब तक उत्तर प्रदेश में योगी जी रहेंगे, हमारे ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। हम बेटियों की सुरक्षा, संकल्प है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उत्तर प्रदेश में है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देश में। आपकी शक्ति थी 2017 में आपने उत्तर प्रदेश में प्रेसिडेंट मोहम्मद के साथ आप लोगों ने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। आपको बताना और आपने उस बेटी को जिंदा कर यहां पर खड़ा कर दिया, लेकिन जिस विश्वास के साथ आपने उस बेटी को यहां खड़ा किया, मैंने भी कोशिश किया आपने उस सपने को, आप ही उस सपने को जरूर मैं साकार करूं, और मैंने कोशिश किया इस मातृशक्ति को एक संगठन के रूप में, आपके इस संगठन का एक छोटा सा हिस्सा बनकर हम एक साथ आगे चले। मैं एक कहानी आपको यहाँ पर जरूर बताना चाहूंगी, एक उदाहरण जरूर यहाँ पर देना चाहूंगी। एक संत ने अपने शिष्य को भिक्षा दी और उन्होंने कहा कि अब जाओ और पूरे क्षेत्र में घूम घूम कर सबको शिक्षित करो, सबको बताओ क्या अच्छा है और क्या बुरा है। जो शिष्य जिन्होंने संत से शिक्षा ग्रहण की थी, दीक्षा लिए थे, वो निकल पड़े लोगों को शिक्षित करने के लिए, लोगों से संवाद करने लगे। लेकिन धीरे 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 उन्हें ऐसा लगा कि जो लोग मेरे सामने बैठे हैं उन्हें कुछ नहीं आता है और सबसे श्रेष्ठ मैं स्वयं हूं, और उनके मन में कहीं ना कहीं एक गुरूर आने लगा, एक घमंड आने लगा। एक दिन वो सब उनके पास गए और वो उनके साथ उनके घर में जाकर उन्होंने कहा मैं आज तुम्हारे साथ ही भोजन करूंगा, क्योंकि वो संत ने देखा कि शिष्य उन्होंने भेजा है लोगों के बीच में शिक्षा देने के लिए, उसके अंदर इतना घमंड आ गया है कि वो लोगों को, उसके अंदर इतना अहंकार आ गया है, लोगों को डांटने लगा है, चुपकाने लगा है, लोग धीरे धीरे शत्रु हो गए। तब संत वहां पर गए, स्वामी जी वहां गए उनके घर, उन्होंने कहा कि आज तुम्हारे साथ भोजन करूंगा, और वो साथ में बैठे थे अपने शिष्य के, वहां पर एक ठंडे का होटल था, वहां लकड़ियां डालकर अतिथि जलाई जा रही थी, तो वहां बहुत सारी उन्होंने कहा सारी लकड़ियों में सबसे मजबूत लकड़ी कौन सी है, तो शिष्य ने जो सबसे मोटी लकड़ी थी बोले सबसे मजबूत लकड़ी यही है और इसी की वजह से हम इसी में अच्छी आग और बड़ी धुरा कर दिया। स्वामी जी ने उस मोटी लकड़ी को निकाल कर बाहर कर दिया और बातचीत करते रहे। उसके बाद जो मोटी लकड़ी थी उसकी आग बुझ गई और धुआं बनके वो आंखों में जलने लगा और जो छोटी छोटी लकड़ियां थी वो वैसे ही जल गई। फिर स्वामी जी ने उस मोटी लकड़ी को उठाकर उसी लकड़ी में रख दिया जहां छोटी छोटी लकड़ियां जल रही थी और फिर वैसे ही आग धरना पड़ी उसमें। तब स्वामी जी ने अपने शिष्य से कहा कि ये संगठन की शक्ति है, अगर तुम संगठन से अलग हो जाओगे तो तुम्हारी कोई पहचान नहीं मिलेगी।
इसलिए संगठन के साथ रहो, ये मत सोचेंगे गुरु कभी अपने मन में ना लाना, ये अहंकार कभी अपने मन में ना लाना, सबसे बुद्धिमान होंगे, सबसे शक्तिशाली। और आज मैं आपको ये विश्वास दिलाती हूँ और ये कहना चाहती हूँ इस मन से, अगर मैं आज यहाँ पर खड़ी हूँ, अगर इस मन से मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो संवाद कर रही हूँ, तो मेरी शक्ति वहां सामने है। एकमात्र शक्ति मेरी शक्ति है, तब मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। अगर आपका आशीर्वाद नहीं होता तो ये बेटी आज यहाँ खड़े नहीं हो पाती। अगर आपका स्नेह नहीं होता, आपका प्यार नहीं होता, तो आपकी बेटी शायद आपके लिए कुछ ना कर सकती। आपने मुझे किया, इसलिए मैंने कोशिश किया थोड़ा 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 करके आप लोगों के लिए कुछ करूं। और मैं विश्वास दिलाती हूं यह आजीवन आप लोगों के लिए खड़ी रहूंगी। आजीवन जैसे एक बेटी अपने परिवार के लिए खड़ी रहती है, एक भाई एक बहन अपने भाई के लिए खड़ी रहती है, एक माँ अपने बच्चों के लिए खड़ी रहती है, उस रूप में मैं खड़ी रहूंगी आपके लिए। लेकिन एक विश्वास मैं आपसे भी चाहती हूँ, आज आपके घर की बेटी आपसे एक विश्वास मांगना चाहती है, क्योंकि माँ के आशीर्वाद के बिना उसका अधूरा है। तो सामने अपनी माँ से मैं आशीर्वाद मांगती हूँ कि इस बेटी को आशीर्वाद दीजिए कि मेरे भविष्य में मां बन करके भविष्य में जो बच्चियां होंगी उनके लिए मैं काम करूं। मैं आपसे आशीर्वाद चाहती हूँ कि अपनी बहन को आप आशीर्वाद दीजिए कि ये बहन आपके लिए संगठन हम सब संगठित होकर के काम करे और ये बहन आपके लिए खड़ी रहे और आप मेरे लिए खड़ी रहे। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरे और आपके बीच में कोई तीसरा नहीं, कोई भी तीसरा नहीं है। इसीलिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, मातृशक्तियां हैं। जैसे भगवान हम लोगों को सबसे सशक्त ईश्वर ने बनाया है, ईश्वर ने नर बनाया, नारी बनाए, इंसान बनाए, जानवर बनाए, पशु पक्षी बनाए, सब बनाए, सब में उन्होंने नर नारी नर मादा बनाया है। लेकिन जब सृष्टि चलाने की बात आई तो ईश्वर ने कहा कि इसको ही जिम्मेदारी तो भी सृष्टि चलाए। फिर उन्होंने सोचा सृष्टि कोई और नहीं चला सकता है, नारी ही चला सकती है, तो सृष्टि का निर्माण करने के लिए हमें चुना ईश्वर ने। तो जो सृष्टि का निर्माण कर सकता है वो इस प्रदेश इस देश को आत्मनिर्भर बनाने का भी काम कर सकता है। और इस देश को इस प्रदेश को अगर आत्मनिर्भर बनाना है तो मातृशक्ति को अपनी शक्ति दिखानी होगी, आपको अपनी पहचान करानी होगी कि हम भारत की नारी हैं, हम मातृशक्ति हैं। वो मातृशक्ति जिसे इस देश के प्रधानमंत्री नमन करते हैं, वो मातृशक्ति जिसे इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी नमन करते हैं, वो मातृशक्ति जिसे मैं यहीं से करोड़ों के प्रणाम करती हूँ, आपको नमस्कार करती हूँ और आपके प्यार की कामना करती हूँ। और इस विश्वास के साथ कि इस बेटी पर आप सबका आशीर्वाद रहेगा, ये भी विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि आजीवन सुख में दुख में आपके साथ खड़ी रहूंगी, एक एक कतरा कतरा आपके नाम कर दूंगी। इस बेटी पर हमने इतना विश्वास जताया वो हमारे साथ, शायद शहर का सब लोग जो क्लस्टर रहे हैं या बहुत सारे मेरी बहने हैं जिनसे मेरा संवाद होता रहता है, जिनसे मेरी बातचीत होती रहती है। यहाँ पर बहुत महिला प्रधान भी है, मैं उनसे भी कहना चाहती हूँ कि बड़े विश्वास के साथ लोगों ने हमें जिताया है, बहुत विश्वास है उनका महिलाओं पर। अब समय आ गया है कि हम कर रखाए कि महिलाओं में कोई कमी नहीं है, क्योंकि इस देश के प्रधानमंत्री और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ये मानते हैं कि इस देश को आत्मनिर्भर बनाने का कोई काम अगर करेगा तो उससे इस देश की मातृशक्ति करेगी।
मेरा नमन आप लोगों को, आप लोगों ने अपना बहुत मुझे समय दिया, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और एक सूचना के साथ मैं अपनी बात को यहाँ पर अपनी वाणी को विराम दूंगी। वो सूचना यह है कि आप लोगों के लिए एक प्रशस्ति पत्र के लिए कुछ हम देख रहे थे, प्रशस्ति पत्र आपको सम्मानित करने के लिए, आपके सम्मान के लिए हम कुछ ले रहे थे, तो आपको अपने बसों में ले जाएंगे। अच्छा, मैं इसे आप जाएंगे, आपको वो दे दिया जाएगा। मेरा आग्रह है कि आप लोग लाइन से निकलिए, मेरा आग्रह है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगी, हमें हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए, हजारों दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए, हजारों फूल चाहिए समुद्र बनाने के लिए, हजारों फूल चाहिए समुद्र बनाने के लिए, पर एक नारी अकेली ही काफी है, एक घर को स्वर्ग बनाने के लिए एक नारी अकेली ही काफी है, एक घर को स्वर्ग बनाने के लिए। अब घर को स्वर्ग बनाने का काम करते हैं, अब समय आ गया है कि उत्तर प्रदेश को भी स्वर्ग बनाना है और भारतवर्ष को भी स्वर्ग बनाना है। इसकी जिम्मेदारी हम पर है, हम महिलाओं पर है, नारी शक्ति पर है, मातृ शक्ति पर है। और जब माँ कुछ निर्णय ले लेती है, जब माँ कुछ ठान लेती है, उसे कोई रोक नहीं सकता, उसे कोई नहीं रोक सकता है। तो आज यहाँ जितनी मातृ शक्तियों पर भी मेरे दोनों हाथ ऊपर करिए, मुट्ठी बांधी और मेरे साथ जोर आवाज में बोली, भारत माता की, भारत माता की, मातृ शक्ति जिंदाबाद, मातृ शक्ति, मातृ शक्ति। मेरी बहुत शुभकामनाएं, यहाँ मेरी बेटियां भी बैठी हैं, खिलाड़ी बेटियां हैं, मैं उन्हें जरूर ऊपर बुलाऊंगी, क्योंकि मेरी इच्छा है कि ये बेटियां हैं तो बड़े संघर्षों के बाद खेलने निकलती हैं, अपने घर से कदम बाहर निकलती हैं। ये वो बेटियां हैं जो बड़ा घर में समझा कर, समाज में समझा कर आज इस जगह पर पहुंची है। मैं नमन करती हूँ बेटा आप सबको भी। तो मैंने कहा कि माँ के रूप में आपके लिए हूँ, तो आजीवन आपके लिए मैं माँ के रूप में खड़ी रहूंगी। कोई जरूरत यहाँ पर एक शिल्पी है, शिल्पी यादव जो रणजी बेटी है, शिल्पी मेरे पास आ जाओ। ये ऐसी बेटी है, मैं चाहती हूँ कि ये बेटी इतने आगे जाए, इतने आगे जाए कि सरोजिनी नगर का जो नाम रोशन करे। ये बेटी रणजी खेलती है, मैं चाहती हूँ उसके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। जितनी बेटियां वहां की खड़ी बेटे खड़े हो रहा एक बार मंच पे आ जाओ। ये हमारी बेटियां हैं, ये इस देश की बेटियां हैं, उत्तर प्रदेश की बेटियां हैं, इस प्रदेश, इस देश और उनके नाम को रोशन करने का काम कर रही है। मैं इन बेटियों को मंच पर बुलाना चाहती हूँ। और मैं मोहिनी जी को और पारू जी को भी बुलाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी इच्छा है कि एक माँ का गाना, पारू जी आपने गाए तो लोगों का आपको एक साथ आई गाई, इसी मंच पर हमारी बेटियां भी रहेंगी और यहाँ सारी मेरी मातृ शक्ति मेरी बहने मेरी बेटियां यहाँ पर उपस्थित है। माँ का, माँ के विषय में जो भी संवाद होगा गीत के माध्यम से वो जरूर सुनकर जाइएगा, क्योंकि माँ बहुत जटिल। यहाँ सारी मातृ शक्ति है वहां पर उपस्थित है। मोदी जी को मजबूत बनाएंगे, इस देश को मजबूत बनाएंगे, क्योंकि जब
महिलाएं जब मातृशक्तियां मजबूत होंगी तभी ये देश और ये प्रदेश मजबूत होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि ये बात बीच में आ गया मंच के समक्ष। माननीय मंत्री जी आप यहाँ आ जाए। माला भी पहनाना है ना सबको। और पुष्प गुच्छ देना है बेटियों को। ये आए ना पीछे, ये सम्मेलन का आ जाए। ये सम्मेलन का आप लोग कैमरा थोड़ा सा एंगल बदलिए, कैमरे का भैया कैमरे का एंगल ये सामने कर लीजिए। अरे सामने कर रेजा खिंचाई भाई, यहाँ कर लो ना, इधर कर लो दीपक, इधर इधर यहाँ खड़ा हो जाइए ना, ये आएगा ना पीछे। हाँ बस ठीक है ना। हाँ बुके और माला बुके सम्मानित कराइएगा। सुमित भैया माला पकड़ाइएगा और वो लोग बुके पकड़ाएंगे। उधर से बुके सुभाष भाई सहयोग करिएगा। ये सभी हमारे खिलाड़ियों का सम्मान माननीय मंत्री जी बुके और माला देकर के कर रहे हैं। फिर आप लोग बैठे रहिए और ये गाना शुरू करिए जल्दी। ये परुण गाओ
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस।